नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। दोस्तों, आज का थंबनेल देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्विस प्लस पर अकाउंट बनाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सर्विस प्लस में अपना अकाउंट बना के दिखाएंगे मात्र 2 मिनट में और बिल्कुल फ्री। और इसके माध्यम से हम जाति, निवास, आय और बहुत सारी सर्टिफिकेट जिसके लिए हमें ब्लॉक जाना पड़ता है, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और हम जानेंगे कि मात्र 2 मिनट में कैसे अपना अकाउंट बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना होगा सर्विस प्लस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन इस पर, और इसको हम अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे। और ब्राउज़र में टाइप करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे ब्राउज़र में टाइप कर दिया है। और ब्राउज़र में टाइप करने के बाद इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो इस कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पे एक नागरिक अनुभाग मिलेगा, इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने ब्राउज़र में ये टाइप कर दिया है, और टाइप करने के बाद हमारा ये आइकन ओपन हो गया है। तब देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है। वेट कर लेते हैं। यहाँ पर सिटीजन सेक्शन ओपन हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड हमारा 8 कैरेक्टर से 15 कैरेक्टर। अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपना नाम डाल लिया है, ईमेल आईडी डाल लिया है, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाल के अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टेट बिहार है तो हम बिहार करेंगे। आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो कैप्चा कोड डाल के और सबमिट पे क्लिक करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं आगे वीडियो में, बने रहिए। तो हमने अपना कैप्चा कोड डाल दिया है और इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा एक ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल पे जाएगा, तो हमारा ओटीपी चला गया है। अब यहाँ पे हम अपना ओटीपी डालेंगे, और ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम आपको लॉगिन करके दिखाएंगे। तो चलिए लॉगिन करने के लिए, इसके लिए फिर से हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे और यहाँ पे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आइकन ओपन होगा। तो चलिए हम आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो हम अपने वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या जो भी है और पासवर्ड क्लिक डालेंगे, और कैप्चा कोड डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम अपना ओटीपी और पासवर्ड ये सब डाल लेते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में, बने रहिए अंत तक। तो हम यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और डाल के आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो हमने लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, हमारा अकाउंट लॉगिन हो रहा है। अब आपको जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सर्विस अप्लाई कर सकते हैं और इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कब तक हमारा बना है। और